गुड मॉर्निंग ऑल। आज हमारा ईवीएस और जीके का क्लास है, सबको याद होगा। ठीक है, आज अपना ईवीएस और जीके का क्लास है। और पिछली क्लास में हम लोग ने क्या शुरू किया था? बॉडी पार्ट्स। ओके, तो ये जो बॉडी पार्ट्स है, आज उसका रिमेनिंग जो भी लेसन्स बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर्स भी देंगे। तर मागच्या क्लास मध्ये मी तुम्हाला काही बॉडी पार्ट्स पाठ करायला सांगितलेले। मैंने आपको कुछ बॉडी पार्ट्स याद करने के लिए बोला था। कितने लोगों को याद हुए हैं बॉडी पार्ट्स? कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स मध्ये नाव लिहा ज्याला बॉडी पार्ट्स किती ही येत असतील तरी चालतील, पण तुम्हाला चैट बॉक्स मध्ये नाव लिहायचं आहे। रिद्धी सांगणार आहे। ओके, चला रिद्धीचा माईक चालू करा। हाँ हाँ हेड गुड हाँ बड़ा है। हाँ है, स्पेलिंग का है TONGUE, टंग। ओके, हाँ अजून येत आहेत का तुला? टीथ। गुड, ईआर। हाँ लिप्स। ओके वेरी गुड रिद्धि, शाबाश। माइक बंद करा, रुंजी सा माइक शुरू करा। रुंजी हाँ हेड हाँ एच हेयर हाँ हाँ एस आइज आईज हाँ एस इयर्स ईयर हाँ एन एस हाँ ई नोज शाबाश। फटाफट बोल एम ओ हाँ हाँ माउथ माउथ हाँ एस एस लिप्स लिप्स एल आई पी एस लिप्स डबल ई टी हाँ हाँ टीथ एच टी गुड टी ओ हाँ हाँ यू हाँ ई टंग 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 बोला टंग है सवा, टंग म्हणजे जीभ। ओके ओके झाले का तुझे? विराट का नाम आया था, विराट का माइक शुरू कीजिए। हाँ चलो बताओ क्या क्या होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये वाला आई आईज। हाँ ये वाला, ये ये वाला, ये इसको क्या बोलते हैं? नो ये ना इसको क्या बोलते हैं? हेगा और ये हाँ दांत को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इत इत
बताओ जल्दी, टीचर सुन रही, बताओ विराट जल्दी करो। अगली बार हम बताओ। लोग वीडियो करेंगे ताकि मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट्स और आप बताओगे, ठीक है? मैं अभी आगे की स्लाइड में बताने वाली हूँ, आपको पार्ट्स दिखाऊंगी, ये तब बताओ, आपको ये बोलना है। कान को क्या बोलते हैं, ईयर जल्दी बताओ क्या बोलते हैं कान बोलते को। हैं, क्या ईयर बोलते हैं। वेरी गुड, माइक बंद कीजिए विराट का। ईशा बोलेंगी, चलिए ईशा का माइक शुरू कीजिए। बोलो। क्या S-R-double-L है? हैंड, आपको, आप एक मिनट, हाँ जो बीच, एक मिनट, जूनियर केजी वाले बच्चे डायरेक्टली नाम बोलेंगे तो भी चलेगा, आप स्पेलिंग नहीं बोलोगे और डायरेक्टली नाम बोलोगे, हेड है, नोज है, तो भी चलेगा। ओके बोलिए ईशा। बीच, हाँ आइज, हाँ यर, हाँ लिप्ट, लिप्स, हाँ और फिर बोलो जो याद आ रहा है वो बोलो, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, हेड, और भी चीजें। हेड, हेड, फिर ओके okay. बोलो ठीक है ईशा, हाँ बस हो गया। अतः यश सा माइक चालू करा, ईशा आपका माइक बंद कर दीजिए। एच हाँ हाँ थोड़े बहुत, हाँ है हेयर, हाँ अच्छा, आईज, गुड, एनओएसई हाँ नोट, वेरी गुड, MOTH, MOUTH, माउथ, हाँ माउथ, थोड़े, हेल्थ, LEPS, LIPS से बड़ा, LIPS, एल हाँ LIPS, लिप्स, थोड़े, EEE, हाँ टिथ, हाँ थोड़े, यार, हाँ टांग, गुड, वाले स्पेलिंग्स, वेरी गुड। यश सा माइक बंद करा, अभी सब लोग ध्यान देंगे, सज्ञानी लक्ष द्यायचंय। बघा आपण मागच्या वेळी पार्ट्स ऑफ बॉडी बघितले होते की नाही, काही जणांनी खूप छान पद्धतीने, बहुत सारे लोगों ने उसको लर्न भी किया है। ओके तो अभी फिर से देखेंगे हम लोग स्टार्टिंग से। जैसे देखिए ये जो ऊपर है, मेरा एरो दिख रहा है सबको, यहाँ पे एक एरो दिखा रही हूँ मैं, हेड के पास व्हाइट एरो, क्या सबको दिख रहा है? वेरी गुड, तो बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। देखिए इसको क्या बोलते हैं, हला का बोलते अपन, हेड, हेड मंजे का है डोका, आपका जो भी सर है उसको हम क्या बोलते हैं, हेड। फिर कान है, कानान ना का बोलते अपन, ईयर। ओके वहीं पे ये क्या है, आईज मतलब आंखें, डोले अपले। ओके देन दोनों आंखों के बीच में क्या होती है, हमारी नाक होती है, दोनों डोळ्यांच्या मध्ये आपलं नाक असतं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, काय बोलते हैं इंग्लिश मध्ये आपण त्याला, नोज, NOSE, नोज। बघा इथे स्पेलिंग्स पण लिहिलेले आहेत। ओके दिस इज आवर नोज। नोज के नीचे क्या होता है, नाकाच्या खाली काय असतं, आपलं तोंड असतं, ठीक है, हमारा मुंह होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
माउथ, MOUTH, माउथ। और माउथ के नीचे जो है ये वाला पोर्शन जो है उसको क्या बोलते हैं? देखिए लिखा है चिन, अपन मराठी त्याला हनुवटी म्हणतो। ओके, तो ये जो चिन है CHIN हमारे मुंह के नीचे, माउथ के नीचे होती है। फिर अभी ये पूरा क्या बन गया हमारा? फेस बन गया। क्या बोलेंगे इसको? फेस, FASE, फेस। जिसमें बगा फेस, फेस मतलब चेहरा, हमारा जो चेहरा है उस पे क्या क्या होता है? दो आंखें होती है, एक नाक होती है और एक मुंह होता है, दो कान होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है, केस पण असतात। इन सबको मिला के हमारा फेस तैयार होता है, अपना हाथ चेहरा तैयार होता है। अभी ये फेस किसके ऊपर रहता है? देखिए ये जो पॉइंट है उसको क्या बोला है? नेक। अपनी जी मान हस्ते जो गर्दन होती है हमारी उसको क्या बोला जाता है? नेक बोला जाता है। ओके, और इस नेक के ऊपर हमारा ये जो सर या फेस होता है तो गर्दन की वजह से हम उसको हिला सकते हैं। आपल्याला इकडे तिकडे बघायचं असेल, डावीकडे उजवीकडे वर खाली अशी मान हलवायची असेल किंवा डोकं हलवायचं असेल तर कशाने आपण हलवत होते? मानेने हलवतो, नेक। ओके, नेक के नीचे क्या होता है? चेस्ट। ओके, छाती बोलते हैं उसको, अपन छाती बोलते मराठीत, तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? चेस्ट। चेस्ट के नीचे क्या है हमारा? पेट है। आप जो खाना खाते हो, जो भी चीजें खाते हो, कहाँ जाती है? पेट में जाती है। तो पेट को बेली बोला जाता है। और एक आपको आता है वर्ड, स्टमक भी बोलते हैं हम लोग, राइट? स्टमक या बेली जो भी है वो यही चीज है, आप बोल सकते हो उसको, बेली भी बोल सकते हो, स्टमक भी बोल सकते हो। अभी देखिए आपका हाथ दिखाया है यहाँ पे, तो हाथ के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो वर्सा पार्ट है, त्याला अपन क्या बोलते हो? आर्म, ARM, आर्म। यहाँ नीचे जिससे अपना हाथ ऐसे हिलता है, अपना हाथ हलतो ना, त्याला रिस्ट म्हणतात, मराठीत मनगट म्हणतो आपण, ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्ट बोलते हैं। और ये जो है अपना, ये क्या है? हमारा हाथ है, तो हैंड बोला है उसको। और हाथ में जो ये छोटे छोटे उसको क्या बोलते हैं? फिंगर्स। तो देखिए यहाँ पे दिखाया है ये क्या है? फिंगर्स है। ओके, फिर नीचे देखिए ये क्या है हमारा? पाव है। ओके, तो ये लेग है। लेग में जहाँ पे लेग मुड़ता है दो चीजें होती है, एक ऊपर वाला क्या होता है? नी, अपना गुड़घा जो उसको घुटना होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नी बोलते हैं। और नीचे ये जो है ये फुट है, पैर हमारा, तो जिससे हम लोग चलते हैं, नीचे रखते हैं जमीन पे, वो फुट है। ओके, और फुट और लेग को जोड़ने वाला और एक चीज होती है, जहाँ पे हमारा पाव हिलता है, अपना पाव हलतो फिर, तो उसको बोला जाता है एंकल। क्या बोलते हैं? एंकल बोलते हैं। ओके, तो अभी ये सब बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी के पार्ट्स है। ओके, सबको समझ में आया? अभी मैं आपको पूछने वाली हूँ किसको क्या बोला जाता है। ओके, तो वो होगा हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखिए मैंने क्या दिया है यहाँ पे, एक आपके जैसा ही छोटा बच्चा है, उसका पिक्चर दिया है, अपने का लहान मुलाचं चित्र दिला है, आणि काय मैंने यहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स लिखे हैं। देखिए ये साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो आपको अभी बताना है कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है? तो रुंजी का नाम पहला पहले ही आ गया है, चला रुंजी सा माइक चालू करा। मैं थाम 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 थाम, मतलब क्वेश्चन विचारो दे। अभी आपको फिर से एरो दिख रहा है सबको, तो मैं एरो रखूंगी, उस चीज को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है, ठीक है? मी माझा एरो जो आहे तो त्या गोष्टीवर ठेवणार, आणि इथे स्पेलिंग दिलेल्या आहेत तर त्याच्यापैकी कोणतं स्पेलिंग बरोबर आहे ते तुम्ही मला इथे सांगायचं आहे। तरुणजी हे जे वरती आहे हे काय आहे सांग मला? हेअर आहेत, आणि हेअर कशावर असतात आपले? हेअर डोक्यावर डोक्यावर। गुड गर्ल,
डोक्याला काय बोलतो इंग्लिश मध्ये आपण? हेड. हेड ची स्पेलिंग आहे का इथे? हाय. आहे. सांग मला, वाचून दाखव. शाबाश, गुड गर्ल, व्हेरी गुड. HEAD हेड. तर आता आपण एक गमत बघूया. आता रुंजीने हमें बताया ये हेड है, ओके, और उसका स्पेलिंग हमको मैच करना है. तो देखिए, हो गया मैच, हो गया. उससे एक लाइन बन गई है. देखिए, सब लोग को दिखाई दे रही है, सर्वांना दिसते. अपन एक लाइन बनवली हेड पासून, ते आपल्याला डोकं दाखवायचं होतं म्हणून. ओके, अभी आगे सबका. आता रुंजीचा माइक बंद करा. आता आपल्याला नावं यायला लागलेत. ओके, सेकंड नाव आलेलं आहे रिद्धी. चला, रिद्धीचा माइक चालू करा. रिद्धी, मला सांग हे काय आहे? नोज. व्हेरी गुड. मग नोज ची स्पेलिंग आहे का बाळा इथे? हा, मला वाचून दाखव. गुड गर्ल, शाबाश रिद्धी, व्हेरी गुड. माइक बंद करा. आता यशचं माइक चालू करा. यशचं नाव आलं आपल्याकडे. यश, हे काय आहे? स्टम. स्टमक बोलायचं. काय बोलायचं? स्टम. स्टमक. स्टमक बोलायचं. स्टमक. गुड बॉय. मग स्टमक ची स्पेलिंग आहे का इथे बघ? यस. एच. व्हेरी गुड. बघा, मग आपण मगाशी नोज पण नाही जोडला, तर ते पण दाखवते मी तुम्हाला. हे नोज आहे, आणि आता यशने काय सांगितलं, ह्याला काय बोलतात? स्टमक बोलतात. कळलं तुम्हाला? आता माइक बंद करा बाळा. ईशा का माइक सुरू कीजिए. अगला नाम ईशा का है. ईशा, ये स्टमक के ऊपर जो है इसको क्या बोलते हैं? ईशा का माइक शुरू कीजिए. नहीं आ रहा है ईशा? मैं बता देती हूँ, सुनिए. इसको बोलते हैं चेस्ट. मैंने आपको पिछले इसमें दिखाया, पिक्चर में. चेस्ट बोलेंगे. क्या बोलेंगे? चेस्ट. गुड गर्ल. और चेस्ट का स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे है C H E गुड गर्ल. तो ये चेस्ट है. देखिए, हम लोग अभी इसको भी एरो से जोड़ते हैं. आया समझ में? शाबाश ईशा. अभी अगला नाम है, पुढचं नाव गर्वचं आहे. चला, गर्वचं माइक चालू करा. हा, हे काय आहेत गर्व? हाताचे काय आहेत? हाताच्या बोटांना काय बोलतो आपण? फिंगर्स. काय बोलतो? तुला स्पेलिंग वाचता येईल का? बघ, वाचता येतं का फिंगर्सचं स्पेलिंग? आय एन जी. हा. ई एस. हा, फिंगर्स. बघा, आता आपण जोडूया फिंगर्सला पण. आया सबको समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हम लोग? व्हेरी गुड. अभी आगे विराट का माइक शुरू कीजिए, फिर आफिया से बात करेंगे. ओके विराट, ये क्या है बताइए मुझे.
इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा जो पैर है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेग। लेग, गुड बॉय। उसका स्पेलिंग पढ़ोगे आप? स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल ई। हाँ जी, वेरी गुड। आपके इतने स्मॉल लेटर्स तो हो चुके हैं, तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए। वेरी गुड विराट। तो अभी इसको भी जोड़ देते हैं, देखिए राइट। इसको क्या बोलते हैं? लेग बोलते हैं। अभी आफिया का माइक शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा। आफिया, ये आपको दिख रहा है मेरा एरो, मैंने यहाँ पे रखा है, इसको क्या बोलते हैं? माउथ। माउथ। तो माउथ का स्पेलिंग है क्या, देखो यहाँ पे इधर फर्स्ट वाला पढ़ो, एम एम हाँ ओ हाँ ओ यू हाँ टी एच। गुड गर्ल, शाबाश। तो देखिए हम लोग इसको जोड़ते हैं अभी माउथ की स्पेलिंग के साथ। वेरी गुड, जुड़ गया, दिखा सबको, शाबाश। अभी बाकी लोग कौन बचे हैं वो देखते हैं, फिर रुंजी के पास आएंगे। काव्य आहे क्लास मध्ये, चला काव्याचा माइक चालू करा। काव्या, ठीक है, काव्याचा माइक चालू होत नाही आहे। आदित्यचा माइक चालू करा। आदित्य, हाँ आदित्य, मला सांगायचंय, हे काय वळा, याला काय बोलतो आपण? मगाशी मी दाखवलं तुम्हाला, दिसतोय का माझा? हे बघ, हा एरो आहे, हा मी इथे आणला, याला काय बोलतात सांग पटकन? या लोकांचा काहीतरी बहुतेक नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे बऱ्याच जणांचं असं वाटतंय। आपण जाऊयात त्यांनी, हँड आहे, गुड बॉय, चला आपण जोडूया याला। व्हेरी गुड, हँडचं स्पेलिंग वाच। हँड, गुड बॉय, शाबाश। माईक बंद करवाळा। नंतर तनिष्चा माइक चालू करा। तनिष, याला काय बोलतात? हा आपला हात आहे खाली दाखवलाय, वरती काय आहे सांग? हा हँड आहे, आणि इथे वरचा भाग काय? आर्म आहे, काय आहे? आर्म आहे। बघा मी जोडून दाखवते तुम्हाला, इथे स्पेलिंग लिहिलंय ए आर एम, आर्म। तनिष्चा माइक बंद करा। परणिकाचा माइक चालू करा। परणिका माइक चालू करा। ओके ठीक आहे, मग आपण आता आपली आलेली नावं घेऊया। रुंजीचं नाव आलंय, चला रुंजी मला सांगायचं, हे काय बाळा? रुंजी माइक चालू कर। नाही टीचरांचं करसो, हे इथे ते माझा एरो बघ, मान दाखवते आपली, मान, त्याला काय बोलतो आपण? मानेला काय बोलतो? नेक। नेक, नेक, गुड गर्ल। आता नेक ची स्पेलिंग कुठे आहे बाळा? हा एन ई हा हा एन
सी सी ए हाँ नेक एनईसी के नेक माता पण जोडू या बघा ओके वेरी गुड आता माइक बंद करा बाळा रिद्धीचं नाव आलं परत चला रिद्धी मला सांगायचं हे काय आहे पायाच्या बोटांना काय बोलतो आपण चालू करा रिद्धी टोज स्पेलिंग वाज बाळा TOES टोज मग आपण आता जोडूया त्यांना स्पेलिंग सोबत कळलं सगळ्यांना ओके पर्णिका लगेच माईक चालू करणार असेल तर पर्णिकाचा माईक चालू करा पर्णिका हे काय बाळा हे खाली ज्याच्याने आपण चालतो ना आपण जमिनीवर ठेवतो ते पाय त्याला काय बोलतो आपण लेग हा पूर्ण लेग झाला पूर्ण पाय बरोबर आहे आणि आता आपण खाली आपण पाऊल म्हणतो मराठीत त्याला आपण जे जमिनीला चिकटवतो त्याला काय बोलतो बाळा हे तुला एरो दिसतो माझा हा मग हे काय आहे याला फूट बोलतात काय बोलतात फूट बोल फूट गुड गर्ल आणि आता मी स्पेलिंग बोलते माझ्या मागे बोलायचं एफ एफ डबल ओ डबल ओ टी टी गुड गर्ल मग आता आपण जोडूया याला बघूया बघा हा तुमचा काय आहे फूट आहे आता हे सगळ्यांना लक्षात आलंय का सबको समझ में आया कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है एक बार अच्छे से देख लीजिए सब लोग सगळ्यांनी व्यवस्थित बघून घ्या ओके तो अभी हम लोग एक गेम खेलेंगे छोटा सा आफिया आपको मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगी बाद में ठीक है अभी गेम खेलते हैं मी काय करणार आहे आपण आता गेम खेळूया मी बॉडी पार्टचं नाव घेणार आणि तुम्ही त्या बॉडी पार्टला टच करायचंय ओके क्या करेंगे मैं उस बॉडी पार्ट का नाम लूंगी और आपको उस बॉडी पार्ट को टच मतलब पकड़ना है अगर मैं नोज बोलूंगी तो सब लोग अपना नोज पकड़ेंगे ओके अगर मैं ईयर बोलूंगी तो सब लोग अपना ईयर्स म्हणजे कान पकड़ेंगे राइट सबको समझ में आया क्या करना है और जो पेरेंट्स है पेरेंट्स ने देखना है कि बच्चा अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ओके तो सब लोग रेडी है लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हैंड दिखाइए अपना हैंड सबने टच किया अपना हैंड एक हाथ से दूसरा हाथ टच करना है हो गया वेरी गुड अभी आपका नोज नोज कहाँ पे है टच कीजिए सब लोग नाक कुठे है तुमचं नोज नोजला टच करा अभी आप टच करेंगे आईज बंद करके टच करना है खुले मत टच कीजिए ओके आईज मतलब आंखों को टच करना है डोळ्यांना टच करायचंय फक्त बंद करून करा नाहीतर डोळ्यात बोट घालाल हो गया अभी बताइए इयर्स कान पकड़िए वेरी गुड सब लोग कर रहे हैं अच्छे से अभी मुझे बताइए हेड आपका हेड कहाँ पे है देखिए सब लोग हाथ लगाइए हेड को ओके अभी आपका माउथ कहाँ पे है माउथ दिखाइए माउथ म्हणजे काय तोंड तुमचं मग तोंडाला हात लावा गुड अभी आपके टीथ कहाँ पे है मम्मी को आपके टीथ दिखाइए सब लोग दात टीथ म्हणजे काय दात दात दाखवा सगळ्यांनी अभी उसके अंदर क्या होता है टंग टंग दिखाइए टंग मतलब जबान टंग म्हणजे काय तुमची जीभ दाखवा सगळ्यांनी
वेरी गुड। अभी आपके फिंगर्स दिखाइए, फिंगर्स किस में होते हैं? हैंड्स में, आपके हाथ में फिंगर्स होते हैं, वो दिखाना है सबको। नाउ टच योर स्टमक, स्टमक ला हाथ लवा सगळ्यांनी, स्टमक, या फिर हम लोग ने और एक वर्ड देखा था बेली, है ना। स्टमक किंवा बेली म्हणजे काय? तुमचं पोट, कुठे आहे पोट? दाखवलं सगळ्यांनी, व्हेरी गुड। आता मला दाखवायचंय लेग, लेगला टच करा सगळ्यांनी। लेग म्हणजे काय? पाय तुमचा, आपके जो पैर है उसको टच कीजिए। ये हो गए आपके लेग्स। अभी मुझे बताएंगे आपकी नेक कहाँ पे है, सब लोग नेक को टच कीजिए। मान कुठे है तुमचे? मानेला टच करा। हो गया। अभी हेड कहाँ पे? हेड मतलब सर। टोका कुठे है तुमसा? चला हेड को टच कीजिए सब लोग। जैसे हाथ में फिंगर्स होते हैं वैसे पाँव में क्या होते हैं? पायाला का असतात, पायाच्या बोटांना काय बोलतो आपण? टोज। क्या बोलते हैं उसको? पाँव की उंगलियों को टोज बोलते हैं। तो टोज को टच कीजिए। ओके ठीक है, हो गया सबका। तो जरा पेरेंट्स मुझे लिख के भेजिए क्या बच्चों ने, मैंने जैसे जैसे पार्ट्स के नाम लिए वैसे परफॉर्म किया। सग्या मुलांनी मी जेवा जेवा जो जो पार्ट बोली तेवा सगळ्यांनी टच केला। गुड, व्हेरी गुड, शाबास। बघा तुम्ही सगळी खूप हुशार मुलं आहात, आणि तुम्हाला हा गेम पण कळला की नाही। मग घरी परत एकदा तुम्ही स्वतःच खेळायचंय, तुम्हाला ज्या बॉडी पार्टचं नाव येईल त्या बॉडी पार्टचं नाव घ्यायचंय आणि त्याला टच करायचंय। हँड, लेग, स्टमक, आईज, नोज। ओके, फक्त मम्मी पप्पांच्या समोरच करायचं आहे, एकट्याने करायचं नाही। आया सबको समझ में? गुड। अभी अगली स्लाइड पे चलते हैं, इसमें भी थोड़े क्वेश्चन आंसर है। तो मुझे कौन बताएगा कि पहला पिक्चर कौन सा है? तो आफिया रह गई थी पिछले क्वेश्चन आंसर सेशन में, आफिया का माइक शुरू कीजिए। आइस आइस एब्रो नोज़ नहीं बस ठीक है, एक ही पिक्चर बोलना है, पहला वाला। पहला वाला पिक्चर में क्या है? आईज है। वेरी गुड आफिया। आईज का स्पेलिंग कौन बताएगा? यश, यश सा माइक चालू करा। वाई वेरी गुड, शाबाश यश। बगा EYES, आईज। गुड बॉय। आपण असंच करूया, आपण सिनियर वाल्यांना स्पेलिंग्स विचारूया आणि नर्सरी ज्युनियरला आपण पिक्चर्स विचारूया। ओके, तो नेक्स्ट है पर्णिका। चला पर्णिकाचा माइक चालू करा। पर्णिका, हे सेकंड पिक्चर काय बाळा? दिसतंय का नोज माझा एरो? काय हे? नोज नोज है। गुड गर्ल, शाबाश, खूप छान ओळखलं। आता नोज ची स्पेलिंग कोण सांगणार? सीनियर केजी आदित्य, आदित्यचा माइक चालू करा। NOSE NOSE, नोज। गुड बॉय, शाबाश बाळा, व्हेरी गुड। माइक बंद करा, बघा NOSE नोज, शाबाश। अभी विराट, विराट का माइक शुरू कीजिए। विराट, ये थर्ड पिक्चर कौन सा है? ये क्या दिखाया मैंने यहाँ पे? बताओ, पहले इधर ये क्या है? कोई भी मोबाइल से दूर नहीं जाएगा जब तक क्लास चल रहा है, यहाँ वहां घूमना नहीं है क्लास में, घर में, सॉरी। क्या है? ईयर। वेरी गुड, तो ईयर का स्पेलिंग हमें बताएंगी रिद्धि। चला रिद्धि सा माइक चालू करा। टी
E-A-R-S, ears. ओके आणि आता मी एकच कान दाखवल्यामुळे मी इयर लिहिलंय. ओके गुड, शाबाश रिद्धी, माइक बंद करा. अभी ईशा, ईशा ये नीचे वाला पिक्चर क्या है, 4 नंबर वाला? टंग. टंग है, गुड गर्ल, शाबाश ईशा, वेरी गुड. रुंजी मला टंग ची स्पेलिंग सांग बाळा. गुड, बघा टंग ची स्पेलिंग काय आहे, TONGUE. शाबाश रुंजी, व्हेरी गुड. आता गर्वचा माइक चालू करा. गर्व हे काय आहे, खालच्या पिक्चर मध्ये काय आहे? फिंगर्स. फिंगर्स पेक्षा हे पूर्ण काय आहे? हे हँड आहे, व्हेरी गुड. ओके मग यश मला हँड ची स्पेलिंग सांग. HANDY. व्हेरी गुड, शाबाश यश. HANDY, हँड, व्हेरी गुड. आता काव्याचा माइक चालू करा. काव्य हे खाली काय दाखवलंय सगळ्यात शेवटचं पिक्चर? लेग. लेग आहे, गुड गर्ल, शाबाश. आफिया क्या आपको स्पेलिंग पता है लेग का, बताइए. LEG. LEG, लेग, व्हेरी गुड आफिया. बघा तुम्ही सगळी मुलं खूप हुशार झाल्यात, सगळ्यांना सगळे पार्ट्स ओळखता येत आहेत, नर्सरी आणि ज्युनियरच्या मुलांना आणि सीनियर वाल्यांना स्पेलिंग्स पण सांगता येत आहेत. तो आप लोग मतलब अच्छे से पढाई कर रहे हो, आपको पार्ट्स भी समझ में आ गए, उनके स्पेलिंग भी समझ में आ गए है, वेरी गुड. ओके अभी अगली साइड पे चलते हैं. मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है तो वो आपको बोल के बताना है, आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है? मैं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगी और फिर आपको आंसर करना है. मी तुम्हाला याच्यावर प्रश्न विचारेन आणि तुम्ही मला आंसर करायचंय. ओके हमारे कितने माउथ है, हाउ मेनी माउथ वी हैव. किती तोंड आहेत आपल्याला, खाण्यासाठी किती तोंड आहेत सांगा मला. कोण सांगतंय, नर्सरी पासून चालू करूया आपण. चला तुमच्याकडे, तुमच्याकडे किती तोंड आहेत ते सांगायचंय. परणिका किती माउथ आहेत बाळा, तुला सांग मला. वन. वन माउथ आहे ना, आपल्याला प्रत्येकाला एकच तोंड असतं ज्याच्याने आपण बोलतो खातो. व्हेरी गुड, शाबाश. माइक बंद करा. काव्याचा माइक चालू करा. काव्या नोज किती आहेत आपल्याकडे, तुला किती नोज आहेत सांग मला. काव्या माइक चालू करा, काव्याचा पटकन. बघा माइक लगेच चालू झाला नाही की मी दुसऱ्यांना सांगणार. ओके चला तनिष्कचा माइक चालू करा. तनिष्क किती नोज आहेत बाळा, तुला सांग मला. नोज आहे तुझ्या चेहऱ्यावर, नोज हा किती आहेत? थ्री. किती नोज आहेत पटकन सांग. वन. वन, व्हेरी गुड तनिष, शाबाश. अभी हम लोग बात करेंगे विराट. विराट का माइक शुरू कीजिए. विराट कितने आईज होते हैं हमारे चेहरे पर? टू. गुड बॉय, शाबाश. माइक बंद कीजिए.
ईशा मुझे बताइए कितने ईयर्स होते हैं, कान कितने होते हैं हमें? टू। दो। गुड गर्ल, शाबाश। आफिया आप बताइए फिंगर्स कितने होते हैं हमारे हाथ में, कितने फिंगर्स होते हैं दोनों हाथों को मिलकर? 10। 10। गुड गर्ल, शाबाश आफिया। I अभी have पेंटिंग। 10 fingers। आई हैव 10 फिंगर्स। आफिया ने तो पढ़ भी लिया अच्छे से। गुड गर्ल, शाबाश। अभी हम बात करेंगे, देखते हैं और छोटे बच्चे कौन है। अजनहुश भी नहीं ऐड हुआ है। जानवी, जानवी नहीं, सॉरी। काव्या सा माइक चालू होना रहेगा। काव्या किती हैंड्स असतात आपले, किती हात आहेत आपले सांग मला। तुझ्याकडे दो किती हात आहेत सांग मला, तुला किती हात आहेत? दोन आहेत की नाही? मग काय बोलायचं? आय हॅव टू हँड्स। टू। गुड गर्ल, शाबाश। माइक बंद करा बाळा। अभी मुझे गर्व, गर्वचं माइक चालू करा। गर्व किती लेग्स असतात आपल्याला सांगायचे, किती पाय असतात आपल्याला? टू। टू लेग्स, व्हेरी गुड। आणि थांबायचं, माइक बंद नको करू। यश मला सांग कि टोज किती असतात, पायांची बोट किती असतात? टेन। 10। व्हेरी गुड। आता सगळ्यांनी माइक बंद करा और मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, मतलब इस स्लाइड पे जो भी लिखा है मैं पढ़ रही हूँ, आपको मेरे पीछे बोलना है, ठीक है? या स्लाइड वर जे काही लिहिलं है ते मी वाचते आणि तुम्ही माझ्या मागे मागे बोलणार आज सगळे जण। माइक चालू करायचा नाही, घरातच मम्मी समोर बोलून दाखवायचं आहे। चलो लेट्स स्टार्ट। आय हॅव वन माउथ। आय हॅव वन माउथ म्हणजे काय? मला एक तोंड आहे, मेरे पास एक मुंह है, तो उसको कैसे बोलेंगे? आई हैव वन माउथ। ओके, अभी उसके नीचे देखिए क्या दिखाया है, इसको क्या बोलते हैं? टिथ, दांत है ना, है तो अभी बोलिए मेरे पीछे सब लोग। आई हैव मेनी टिथ। ओके, अभी आपको तो उतना काउंटिंग नहीं आ रहा है और आपके दांत गिरने वाले भी है, फिर आएंगे, इसलिए नंबर नहीं दिया है। वहां पे क्या लिखा है? आई हैव मेनी टीथ म्हणजे मला खूप सारे दात आहेत। ओके, मेरे बहुत सारे दात है, तो उसमें बोला है आई हैव मेनी टीथ। अभी हम लोग ने आगे क्या देखा था, काय बघितलेलं? सर्वांकडे एकच नाक है कि नाही? आपण कसं बोललो? माझ्या मागे बोला, आय हॅव वन नोज। ओके, वेरी गुड, सगळे बोलतात ना। अभी आगे देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिखाया है? आईज दिखाया है, कितने आईज होते हैं? टू। तो बोलिए मेरे पीछे सब लोग, आई हैव टू आईज। ओके, अभी कान भी कितने होते हैं? दो कान होते हैं। तो क्या लिखा है देखिए, आई हैव टू ईयर्स, मेरे पास दो कान है। आई हैव टू ईयर्स। ओके, पुढे काय दिलंय आपल्याला, किती हात असतात? दोन हात असतात। ओके, आता बघा काय लिहिलंय। आय बोला सगळ्यांनी मागे माझ्या, आय हॅव टू हँड्स, किती हात आहेत सगळ्यांचे? दोन। आय हॅव टू हँड्स। ओके, अभी फिंगर्स सब लोग काउंट करेंगे। हाँ चलो काउंट करते हैं, सब लोग फिंगर्स पकड़ो सामने अपने, सगळ्यांनी आपली बोट हाताची समोर बघा, काउंट करा माझ्या मागे मागे। वन टू थ्री
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कितने फिंगर्स हुए? टेन। तो बोलो आई हैव टेन फिंगर्स। ओके आगे देखिए, पुढे काय दाखवलेत? पाय दाखवलेत बघा, दोन दो पाव दिखाए है, पैर दिखाए है दो। क्या लिखा है? आई हैव टू लेग्स। फिर से बोलिए आई हैव टू लेग्स। अभी नीचे क्या पिक्चर दिखाया है? टोज भी दिखाया है और पाव भी दिखाए, म्हणजे पावला पण दाखवलेली आहे आणि पायाची बोट पण दाखवली। तो एक बड़ा सेंटेन्स आहे, ठीक आहे? पायाची बोट पण मोजूया जरा, सगळ्यांनी पाय समोर घ्या, ठीक आहे? पाव आगे लीजिए और गिनिए फिंगर्स मेरे पीछे पीछे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कितने फिंगर्स हुए? किती झाले फिंगर्स नहीं टोज, सॉरी, किती टोज झाले सगळ्यांचे? टेन झाले ना, कोणाचे कमी जास्त आहेत का? ओके ठीक है। तो अभी मेरे पीछे बोलिए सब लोग, आई हैव टू फीट एंड टेन टोज। परत बोला आई हैव टू फीट एंड टेन टोज। ये सबको याद रहेगा ना, और याद रखने के लिए यही मैं होमवर्क में देने वाली हूँ, ठीक है? सीनियर के बच्चे ये सब लिखेंगे भी और लर्न भी करेंगे। सीनियर च्या मुलांनी हे सगळं लिहायचं पण आहे आणि पाठ पण करायचं, और जुनियर सीनियर के बच्चे सिर्फ बोलना सीखेंगे। ओके उसको बोल बोल के याद करेंगे। ओके तो थैंक यू लिखा है मैंने, मतलब ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। ओके क्या क्या पढ़ा हमने आज? बॉडी पार्ट्स, और कितने बॉडी पार्ट्स है हमारे। हमने आइडेंटिफिकेशन देखा कि कैसे किसको क्या बोला जाता है। ओके फिर हम लोग ने बॉडी पार्ट सभी देखे थे, फिर हम लोग ने मैच भी किया कि हर एक बॉडी पार्ट को क्या बोला जाता है, राइट? ये सबको याद है ना? तो ये पिक्चर भी मैं होमवर्क में डाल दूंगी और इसको गूगल क्लासरूम में डाल दूंगी, ताकि आप वहीं पे उसको एडिट कर सकते हो। वहां पे आप डायरेक्टली पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, गूगल क्लासरूम में डायरेक्टली वहीं पे आप उसको मार्क कर सकते हो, ठीक है? तो सगळ्यांना आजचं लेक्चर समजलंय? सगळ्यांना बॉडी पार्ट्स कळलेत का? तो आप सबको क्या करना है घर पे? सबको इन बॉडी पार्ट्स को याद करना है, किसको क्या बोला जाता है, ठीक है? आज जैसे कुछ बच्चों ने अच्छे से बोल के दिखाया, वैसे ही अगली क्लास में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आपको उसको कंप्लीट करके मुझे बताना है, उसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है? तो नाउ वी विल क्लोज द क्लास। कल परसों सैटरडे संडे तो वैसे भी हमारी छुट्टी रहती है, और गणपति फेस्टिवल है, तो सब लोग एंजॉय करिए और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कीजिए। ओके तो मंडे को मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। नाउ बाय बाय एवरीवन। बाय बाय टीचर। बाय बाय टीचर। बाय बाय टीचर। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। बाय। बाय बाय कणिका बाय।
चला सर्वानी मीटिंग लेफ्ट करा पटापट। जानवी महाड़िक मीटिंग लेफ्ट करा। बाय टीचर। गुड बाय टीचर। बाय।